अब जैसे अंबानी जी की कुछ प्रॉपर्टीज है कि अंबानी जी गुजरात से आते हैं, अंबानी जी ने छोटा सा घर बनवा रखा है साउथ बॉम्बे में, बहुत छोटा है, सिर्फ 27 फ्लोर है ना। तो और उनके पास एक तेल साफ करने की मशीनरी है जामनगर में, घर घर किराना पहुंचाते हैं, कपड़े पहना रहे हैं इंडिया को, लोगों को बात करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे ये अंबानी जी की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ऐसे मोदी जी की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, सचिन की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वैसे एटम के पास भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो अपने को बस उन्हीं प्रॉपर्टीज पे फोकस करना है। तो पहला प्रॉपर्टी है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, दूसरा प्रॉपर्टी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी है बेटा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। प्रॉपर्टीज तो और भी होती हैं, जैसे आप डेंसिटी भी बोल सकते हो, फिजिकल स्टेट भी बोल सकते हो, बहुत कुछ होता है, बट ये जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं ये इंडिविजुअल एटम के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ना कि ग्रुप ऑफ एटम्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो डेंसिटी की जब बात आएगी तो वी हैव टू टेक ग्रुप ऑफ एटम्स, ये क्या है, सिंगल एटम की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। तो इन प्रॉपर्टीज को समझने से पहले आपको एटम के बारे में वापस से सारी चीजें सोचनी है। वापस से एटम है क्या? एटम एक परिवार है, मैं पहले भी बोल चुका हूंगा, जिसमें बीच में कौन है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, कुछ पापा और कुछ मम्मियां, और ठीक है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ। तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए अट्रैक्शन रिपल्शन में उसका कोई खान मतलब कोई उसका रोल है नहीं, है ना, पड़ा है बस वहां पे पापा की तरह, जैसे पापा पढ़े रहते घर में, उनको फर्क नहीं पड़ रहा तुम पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। हाँ मम्मी जरूर बोलती है कभी कभी टॉमी छू, तो पापा तुमको डांट देते होंगे, नहीं तो पापा को कुछ नहीं पड़ी, तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। तो पापा ऑलमोस्ट कह रहे थे न्यूट्रल, और मम्मी, मम्मी इज द मैन ऑफ हाउस, मम्मी डिसाइड करती है सब्जी कौन सी बनेगी, पर्दे का कलर क्या होगा, पापा कितने बजे घर से बाहर निकलेंगे और कितने बजे घर में आ जाने चाहिए, कौन डिसाइड कर रहा है। वैसे ही ये जो बच्चे हैं, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो सिंगल मदर परिवार है, एक प्रोटॉन एक बच्चा है, ठीक है जो भी है सह लेंगे। यही चीज हीलियम पे जाओ, हीलियम में क्या है, दो मम्मी जॉइंट फैमिली है, दो मम्मी दो पापा और दो बच्चे। तो अभी मम्मी पापा तो कैसे भी साथ में रह लेते हैं, लड़ते झगड़ते, ज्वाइंट फैमिली होती है ना, तो चाचा ताऊ है ना, काका काकी, और झगड़े होते रहते हैं, ताऊ का पापा से झगड़ा हो गया, मम्मी का चाची से झगड़ा हो गया, ताई से झगड़ा हो गया, झगड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या है, बने रहते हैं, परिवार को एक साथ रखना है तो सब सारे डिफरेंसेस भूल के आगे बढ़ते हैं, है ना। ऐसा तो न्यूक्लियस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चों का क्या है, जैसे सुमेर और कुबेर लड़ने लगे तो जैसे सुमेर और कुबेर है हमारे बच्चे, अब इनमें झगड़ा, ये थोड़ी समझदार है इतने, इनके अंदर थोड़ी है कि भाई परिवार को एक बनाए रखना, इनका झगड़ा होगा तो अच्छे से होगा फिर। तो वही चीज होती है, जब अकेला इलेक्ट्रॉन है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, यहां पे आप देखोगे तो सिर्फ क्या है, अट्रैक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपल्शन नाम की चीज ही नहीं है कहीं पे भी, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से दोनों ही
अपोजिटली चार्ज है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. बट इन केस ऑफ स्पीशीज हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन क्या होने वाला है? देयर विल बी अट्रैक्शन, देयर विल बी अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, बट साइमल्टेनियसली द इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो उस एटम में है, वो क्या कर रहे होंगे? दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर. और इस रिपल्शन की वजह से सुमेर बोलेगा कि कुबेर को ज्यादा प्यार करते हैं, कुबेर बोलेगा सुमेर को ज्यादा प्यार करते हैं. बस यही है शील्डिंग इफेक्ट. जिसको अभी भी नहीं समझे दोबारा समझाता हूं. अपने परिवार में जो बड़े बच्चे हैं वो इजीली फील कर पाएंगे इसको. तो जैसे आप बड़े बच्चे हो, जब सिर्फ आप थे तो सारे खिलौने, घर के सारे रिसोर्सेस, मम्मी पापा का पूरा समय और प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए था. फिर घर में बधाई हो हुआ, आपका छोटा भाई या छोटी बहन इस दुनिया में प्रकट हुई, फिर क्या हुआ? यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस द होल अट्रैक्शन एग्जर्टेड बाय न्यूक्लियस मींस पेरेंट्स. आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि पहले जो टाइम सिर्फ मेरे लिए था वो अब बट गया. इवन तुम्हारे खिलौने छीन छीन के छोटे भाई बहन को दे दिए जाएंगे. छोटा भाई बहन कितना भी अनफेयर हो तो भी क्या बोलते हैं पेरेंट्स? वो तो छोटा है, तुम तो बड़े हो, ठीक है ना? बस दिस इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि तुमको न्यूक्लियस का यानी कि पेरेंट्स का जो अट्रैक्शन मिलना चाहिए था उतना एक्सपीरियंस नहीं हो रहा. तो यहां क्या होता है, अगर आप ठीक से देखोगे, ये न्यूक्लियस है मेरा, ये इलेक्ट्रॉन्स है मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में, ये सेकेंड ऑर्बिट में. मैं नंबर्स पे फोकस नहीं कर रहा हूं, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे फोकस करो. तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. बट साइमल्टेनियसली ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? तो इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है, बाहर के ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो अट्रैक्शन इनको मिल रहा था उतना एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते. मान लो न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट कर रहा है 10 का, बट 2 का रिपल्शन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, वो एक्सपीरियंस कितने का कर रहे हैं? ओनली 8 का. तो जो 2 कम हो गया, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट. जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के लिए किसका काम कर रहे हैं? स्क्रीन का काम कर रहे हैं, शील्ड का काम कर रहे हैं. और जो अब एक्सपीरियंस हो रहा है उनको, उसका नाम रखते हैं हम क्या, इफेक्टिव. न्यूक्लियर चार्ज तो 10 का था मान लेते हैं, बट इफेक्टिव कितना है? इसको ऐसे देखो, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चलती हैं, तो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया भाई 10,000 करोड़ की रोड्स बनवाएंगे. अब जरूरी थोड़ी पड़ा 10,000 करोड़ रोड पे लग जाए. जो भी लोग हैं उनके बच्चे फॉरेन पढ़ने जाने हैं कि नहीं, तो रोड का कॉन्क्रीट कम होगा तब बच्चा कॉन्क्रीटली विदेश जाएगा ना. तो मान लो 10,000 गवर्नमेंट ने दिया भाई रोड बनाओ, तो रोड पे इफेक्टिवली कितना लग रहा है? 10,000 की जगह 4,000 लगेगा, 5,000 लगेगा, 9,000 लगेगा. तो कुछ ना कुछ पार्ट कम हो रहा है ना, करप्शन में जा रहा है. तो वैसे ही ये अट्रैक्शन का करप्शन है, और करप्शन के बाद जितना बच गया वो क्या है, समझे? तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपस में जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना है अपने को. अब यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजीज आपके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए. अभी किसी एटम में काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बेटा. हाइड्रोजन को छोड़ दो, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है. तो आप शील्डिंग किसके लिए कैलकुलेट करोगे? किसी एक इलेक्ट्रॉन को तो बोलोगे भाई इस इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग कैलकुलेट कर लिए. तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, टेस्ट इलेक्ट्रॉन. टेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, द इलेक्ट्रॉन फॉर विच शील्डिंग इफेक्ट इज स्टडीड. उसको नाम देते हैं टेस्ट
इलेक्ट्रॉन। फिर एक टर्म आएगा आपको बेटा, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर ऑर्बिट्स एंड ऑफ द सेम ऑर्बिट इन विच टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, उनको हम लोग नाम देते हैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। जो एक्चुअली शील्ड कर रहे हैं उनको नाम देते हैं हम क्या? इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट में है, ठीक है, तो हम किनको बोलेंगे इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स? फर्स्ट ऑर्बिट के, सेकंड ऑर्बिट के और थर्ड ऑर्बिट के बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स से थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो वन इलेक्ट्रॉन तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन खुद हो गया, उसको रिपेल कितने इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होंगे? 7। तो ये ध्यान रखें। So, अगर मैं थर्ड ऑर्बिट में बोल रहा हूं टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिट कितने होंगे? 9। अगर मैं बोलूंगा कि सेम ऑर्बिट में 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अंदर के तो सारे इलेक्ट्रॉन्स काउंट होते हैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स में, बट सेम ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन तो खुद टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो वो खुद को तो शील्ड नहीं कर सकता। जैसे मैं बोलूं कि रूम में 10 बच्चे हैं और एक बच्चा पीटा, तो उसको कितने बच्चों ने पीटा होगा? 9। अब तुम बोल दो 10 ने पीटा है, कैसे पॉसिबल है? 10 बच्चे थे और एक पीटा है, तो कितने बच्चों ने पीटा होगा? खत्म। अगर घर में 4 बच्चे और एक बच्चे पे जुल्म हो रहा है, तो कितने बच्चों ने जुल्म किया होगा? 3। तो सेम ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन तो खुद टेस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, उसको काउंट नहीं करते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? तो सेम ऑर्बिट के बाकी के इलेक्ट्रॉन्स एंड अंदर के ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन्स। बाहर के इलेक्ट्रॉन्स वो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स में काउंट नहीं होते, तो ये बात याद करना, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर ऑर्बिट्स ऑफ टेस्ट इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन्वॉल्व इन शील्डिंग और स्क्रीनिंग, शील्डिंग और स्क्रीनिंग। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के, तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, तो फोर्थ ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स, फिफ्थ ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स कितने भी हो, दे विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन शील्डिंग। तो अब मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं कि शील्डिंग इफेक्ट है क्या, शील्डिंग इफेक्ट है क्या, ध्यान से देखें। मैं बोल देता हूं, डिक्टेट करा देता हूं, लिख दो शील्डिंग इफेक्ट। और तो ये है क्या एक्चुअली, स्टेटमेंट लिखेंगे, एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन आउटर ऑर्बिट does not experience all the attraction exerted by the nucleus due to the repulsion exerted by intervening electrons, due to the repulsion exerted by intervening electrons, intervening electrons
दिस रिजल्ट्स इन, फुल स्टॉप डाल के लिख देना, दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज, दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन एक्चुअल अट्रैक्शन डिक्रीज इन एक्चुअल अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन. एक्चुअल अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन. अब फुल स्टॉप डाल के लिखना, दिस डिक्रीज इटसेल्फ इज कॉल्ड, दिस डिक्रीज इन अट्रैक्शन फोर्स ऐसे लिखना, दिस डिक्रीज इन अट्रैक्शन फोर्स इटसेल्फ इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट. शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो बाहर का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पूरा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा. क्यों? क्योंकि इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स किसका काम कर रहे हैं? शील्ड का काम कर रहे हैं. और शील्ड का काम कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स. तो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स कैसा लगाएंगे इलेक्ट्रॉन पे? रिपल्शन वाला. तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बोलेगा अंदर आओ, और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे उसको बाहर जाओ. तो कहीं ना कहीं उस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स एक्चुअल से क्या हो जाएगा? थोड़ा कम. अब कितना कम हो जाएगा ये हम कैलकुलेट करते हैं स्लेटर्स रूल की हेल्प से. तो जैसे मैंने बोला कि भाई 10 का अट्रैक्शन लगना चाहिए था, कुछ कम हो गया, कुछ कम हो गया. ये तो थियोरेटिकली ठीक है, हाँ सर कम तो होगा, बट एक्चुअली कितना कम हो गया इसके लिए हमारे पास एक जनरलाइज्ड वे है शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए. तो हम लिख सकते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा. इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ, not attraction, sorry, it is the measure of repulsion exerted by intervening electrons on the test electron. इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि अट्रैक्शन जो फोर्स है वो हम बताते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ऐसे ही रिपल्शन भी हम उसी सेंस में बताते हैं. तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती. इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग Slater's rule. इसका कोई यूनिट नहीं होता. इट हैज नो यूनिट. तो मैं सिंप्लीफाइड वे में Slater's rule समझाऊंगा. आपको ध्यान से देखना है, सुनना है और लिखते जाना है. कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको. कैलकुलेशन नहीं आएगी तो फिर प्रॉब्लम होती है बेटा. रिमेंबर. तो क्या है रूल नंबर वन? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट and
मेक द ग्रुप्स ऑफ सबशेल्स एज फॉलोज। कॉन्फिगरेशन लिखना है और क्या बनाना है, ग्रुप्स बनाना है। कैसे बनाना है ग्रुप्स, ध्यान से देखो। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में एस होता है तो ये अपना एक ग्रुप है, एक ही ऑर्बिट के एस और पी को एक ग्रुप में डाल देना। थर्ड ऑर्बिट में मेरे पास क्या है, 3s है, 3p है, 3d है, तो मैंने जैसा बोला एक ही ग्रुप के एस और पी को एक साथ रखना है, बट डी को एंड एफ को अलग अलग रखना है। तो जैसे फोर्थ ऑर्बिट में मेरे पास 4s है, 4p है, 4d है एंड 4f है, तो एस और पी को एक साथ रखना है, डी एंड एफ को अलग अलग रखना है, ठीक है। तो ये ग्रुप करने का, आप कॉन्फिगरेशन लिखो और कैसे ग्रुप करोगे ये पहला रूल बताता है आपको। फिर आता है सेकंड रूल, ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन राइट साइड ऑफ द ग्रुप ऑफ टेस्ट इलेक्ट्रॉन शुड बी इग्नोर्ड, शुड बी इग्नोर्ड। तो अगर मेरा जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D में हुआ तो उसके राइट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या करना है, इग्नोर। तो जैसे मैंने बोला था कि बाहर के इलेक्ट्रॉन शील्डिंग का काम नहीं कर सकते, बाहर के इलेक्ट्रॉन शील्डिंग का काम नहीं करते, तो उनको हमें कैलकुलेशन में भी कंसिडर नहीं करना है। तो यह है सेकेंड रूल आपका, क्लियर। अभी आपको यह देखना है कि आपका जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ग्रुप में है, sp ग्रुप में है या df ग्रुप में है, ध्यान से सुनना। थर्ड रूल बोलता है आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट एलिमेंट, सॉरी, टेस्ट इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं टू बी प्रिसाइज, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हमारे पास दो फंडे हैं, इफ इलेक्ट्रॉन मींस टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज इन एस और पी, तो एक रूल का सेट चलता है, एंड अगर इफ टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज इन डी और एफ तो दूसरा फंडा चलता है। क्या फंडा चलता है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। रिमेनिंग वर्ड क्यों लिखा, समझ में आ रहा है? अगर मेरे टेस्ट ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उसको रिपेल कितने कर रहे होंगे, 4। इसीलिए अपने को पहला वाला क्या लिखना है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम ग्रुप, कॉन्ट्रीब्यूट 0.35 to the repulsion, that is हर एक इलेक्ट्रॉन जो उसी सेम ग्रुप में प्रेजेंट है वो कितने का रिपल्शन लगाएगा,
हर एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन रिपल्शन में कितना आएगा, 0.35 का। ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन माइनस वन ग्रुप, मान लो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ पीरियड में है, फोर्थ ऑर्बिट में है, तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा, थर्ड। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन थर्ड में है तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा, टू। सेकेंड ध्यान रखना, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन माइनस वन ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूट 0.85 ईच टू द रिपल्शन, दैट इज सिग्मा। एन माइनस वन ग्रुप के सारे इलेक्ट्रॉन्स कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन माइनस टू एंड लोअर ग्रुप्स कॉन्ट्रीब्यूट वन ईच टू सिग्मा। तो सेम ग्रुप के बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स कितने का रिपल्शन लगाएंगे, 0.35। हर एक इलेक्ट्रॉन 0.35 का रिपल्शन लगाएगा। उसके अंदर वाले ग्रुप के हर एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कितना रहेगा, 0.85। और फिर उसके अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका कंट्रीब्यूशन रिपल्शन में 1 का आ जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन मेरा डी या एफ में होता है तो ध्यान से सुनना है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी और एफ ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूट 0.35 ईच टू सिग्मा। पहले वाले की तरह ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। डी और एफ ग्रुप के बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन्स कितना रिपल्शन देंगे, 0.35। ऑल इनर इलेक्ट्रॉन्स contribute one each one each to sigma। तो इसमें तीन लेयर्स है रिपल्शन के, इसमें दो ही है। सेम डी और एफ के बाकी के इलेक्ट्रॉन्स कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, 0.35 ईच। और बाकी के अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, वन ईच। क्लियर? अच्छा, एक यहां पे आपको नोट पॉइंट याद रखना है, इफ टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज इन 1s सबशेल देन the remaining other electron contributes कितना, 0.30 only। normally same group के electrons कितना contribute कर रहे थे, 0.35। यहां पे क्या हो रहा है, 0.30। अब ये रूल्स हैं, ये आपके पास है ना, आपकी स्टडी टेबल के सामने होने चाहिए फॉर नेक्स्ट 15 डेज। और आपको डेली 4-5 एलिमेंट्स के लिए सिग्मा कैलकुलेट करते बार बार देखना है। अब इसका कैलकुलेशन लिखिए, रूल्स देखा, डन। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एलिमेंट देता जाऊं और आप मुझे सिग्मा बताते जाओ, तो आपको
को सबसे पहले क्या लिखना है, फिर आपको ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुप बना दिया आपने, चलो अब इसके लिए मुझे सिग्मा कैलकुलेट करना है। तो आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन के केस में वी हैव अ न्यूक्लियस एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन ओनली, इज देयर एनी इलेक्ट्रॉन विच रिपेल्स दैट इलेक्ट्रॉन? नो। तो अभी हमारा जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, 1s में। तो कैलकुलेशन में कैसे करूंगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो खुद क्या है, घर में एक ही बच्चा है तो उसको कौन पीटेगा, कोई नहीं। बट यही मैं हीलियम के लिए सोचूं, तो पहले मैं हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, फिर ग्रुपिंग करना है मेरे को। तो नाउ दैट हीलियम एटम हैज टू इलेक्ट्रॉन्स, वन इलेक्ट्रॉन इज टेस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द अदर इलेक्ट्रॉन विल रिपेल द टेस्ट इलेक्ट्रॉन। सो क्या लिखूंगा मैं, दैट्स इट, देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन दैट कैन एक्ट एज शील्ड फॉर दैट टेस्ट इलेक्ट्रॉन, और उसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन क्योंकि वो 1s में है कितना लेते हैं, 0.30। तो कितना मिलेगा, 0.30 के अकॉर्डिंग रिपल्शन मिलेगा। नाउ कम्स टू द थर्ड एलिमेंट, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ लिथियम, 1s2 2s1। सो जैसा मैंने बोला ग्रुपिंग करनी है अपने को, तो ये हमारा nth ग्रुप हो गया और ये हो गया। अभी रूल हमको क्या बता रहा है बेटा, Y30 S कौन सा, रूल पढ़ लो, 30 कब लेते थे, जब टेस्ट इलेक्ट्रॉन 1s में हो, अभी हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाकी के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे कितना, 0.35। बट कोई और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक ही तो है 2s में, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको सेम ग्रुप में रिपेल करने वाला कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। अंदर n-1 के हर एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, और कितने अंदर इलेक्ट्रॉन्स उसमें, सॉल्व करो, 1.7 आ जाएगा। अब आपने करना है बेरिलियम के लिए, तो जैसे मैंने बोला पहले ग्रुपिंग कर लो प्रॉपर, ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए हमसे, और अब निकालो सिग्मा। तो अगर मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन 2s में है, तो कैसे करूंगा मैं कैलकुलेट, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे, 2s में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, बट उनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो खुद टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, द अदर इलेक्ट्रॉन कैन रिपेल कितना, 0.35 के इक्विवेलेंट, प्लस और n-1 ग्रुप, तो कितना हो जाएगा बेटा, या 1.5 ही रहेगा ना, एंड दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू फॉर एनी इलेक्ट्रॉन इन द गिवन स्पीसीज। और एग्जांपल लेते हैं, रुकेंगे नहीं अभी, लेट्स से मैं ये काम फास्फोरस के लिए करूं, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। सो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का, वो कौन से ऑर्बिट में है बेटा, 3p में है। तो ये पहले मैं ग्रुपिंग करके दिखा देता, ग्रुपिंग ध्यान से करें, एक ही ऑर्बिट के एस और पी को एक साथ रखना है, तो ये हमारा बन गया क्या, टेस्ट ग्रुप जो भी है जिसमें हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर ये तो थर्ड ऑर्बिट हो गया, उसके अंदर का ऑर्बिट क्या है,
एन माइनस वन मतलब सेकेंड ऑर्बिट रहेगा, और ये अब हमारा रूल एकदम क्लियर है, सेम ग्रुप के बाकी के इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कितना लेना है, 0.35 ईच। अभी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं, तो रिपल्शन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, प्लस एन माइनस वन ग्रुप के सारे इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कितना बोला था हमने, 0.85 ईच। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं यहां पे मुझे, 8 प्लस एन माइनस टू या उसके नीचे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कितना था रिपल्शन में, और कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 2। नाउ कैलकुलेट। अभी कोई बोले सर आर्गन के लिए यही करके दिखाओ, अब मैं ग्रुपिंग इसी में कर दूंगा, है ना, दोबारा नहीं लिखूंगा, बट आप दोबारा लिख के प्रैक्टिस करो ताकि मिस्टेक ना हो। तो ये ग्रुपिंग कर दी मैंने, नाउ अगेन आई एम कैलकुलेटिंग सिग्मा फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो दिस थर्ड ऑर्बिट विल बिकम आर टेस्ट ग्रुप, उसके अंदर का एन माइनस वन और उसके अंदर का एन माइनस टू। अब मैं जब सिग्मा कैलकुलेट करने जाऊंगा तो एंथ ग्रुप में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं, 8। एंथ ग्रुप में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं, 8। 2 एस में है और 6 पी में है, 8। तो एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन बन गया, तो उसको रिपल्शन देने वाले कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 0.35 का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है सेम ग्रुप में, बट 7 इलेक्ट्रॉन ही कर सकते हैं ये काम। एन माइनस वन वाले 0.85 का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, और करते करते ही समझ में आएगा, है ना, ऐसा देखते देखते समझ में नहीं आता है, आप खुद करोगे कुछ चीज याद रहेगी, कुछ भूल जाओगे, और जहां भूल जाओगे वहां गलती करोगे, और वही गलती आपको सिखाएगी। सो वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, डन। अब कुछ और तूफानी करते हैं, देखते हैं। जैसे कोई पूछेगा कि मुझे सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर के लिए कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, जो तुमने पढ़ा हुआ है इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। आई होप कॉन्फ़िगरेशन याद हो चुके होंगे आपको, एंड अब मैं इनको ग्रुपिंग करूंगा, तो एक ही ऑर्बिट के एस और पी को एक साथ रखना है ना, डी को अलग दिखाना है, हो गई ग्रुपिंग। नाउ विच इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इन विच सबशेल दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, 4s। सो दिस 4s इज आर n। अगर 4s हमारा टेस्ट ग्रुप है तो n की वैल्यू 4 दिख रही है मुझे, तो n माइनस वन कौन हो जाएगा, पूरा थर्ड, नॉट ओनली 3s 3p या 3d, पूरा थर्ड, ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा। अब मैं जब सिग्मा कैलकुलेट करने जा रहा हूं तो क्या करूंगा, मैं सेम ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन बचा है, तो सेम ग्रुप में उसको कोई रिपेल करने वाला इलेक्ट्रॉन बचा है क्या, नहीं, अकेला इलेक्ट्रॉन है तो उसको कौन ही पीटेगा, कौन रिपेल करेगा, सेम ग्रुप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, बट सेम ग्रुप का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.35। फिर आता है एन माइनस वन ग्रुप, उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 0.85। बट कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको सेम ग्रुप में, सॉरी एन माइनस वन ग्रुप में, 18। ठीक से काउंट कर लो, बच्चे क्या करते हैं 10 काउंट करके मल्टीप्लाई करते, फिर कहते सर आंसर मैच नहीं कर रहा, उसका रीजन है आप प्रॉपर मेथड ही फॉलो नहीं कर रहे हो, मैं लाइन बना के आपको बता रहा हूं एन माइनस वन किसको लेना है, स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मिस्टेक तो होनी है। सो 2
प्लस सिक्स एट, एट प्लस टेन इज 18। नेक्स्ट मेरा एन माइनस टू और अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, कोई भी हो, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन रिपल्शन में कितना लेना है आपने, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं काउंट कर लो, सिक्स प्लस टू एट प्लस टू टेन, कर दो कैलकुलेट, मल्टीप्लीकेशन एडिशन तो कर ही लोगे तुम। चल अभी कोई मुझसे ये पूछता 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर के लिए बताओ सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बता दिया आपने, d के लिए अभी तक आपने एक भी एग्जांपल नहीं दिया, वो भी देख लेते। तो मुझसे किसी ने पूछा अगर कि 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर के लिए क्या करना है, तो सबसे पहला काम तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से ही है, थोड़ा सा आलस दिखा लेते हैं ना, अब अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे सिग्मा कैलकुलेट करना है फॉर 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर, तो मेरे लिए टेस्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आ गया, तो हमारा ये हो गया टेस्ट ग्रुप, और हमारा फंडा क्या बोलता है, रूल नंबर टू क्या था, रीड, टेस्ट ग्रुप के राइट में प्रेजेंट सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, तो किस इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर दूंगा मैं, 4s के इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर दूंगा, और डी और एफ वाले में बहुत सिंपल था कि डी और एफ ग्रुप में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना लेते हैं, एक तो छोड़ना ही है ना, वो तो रूल चलेगा ही हमेशा, तो यहां डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं, उसमें से एक हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी के कितने बच्चे पीटेंगे इसको, 9, कितना पीटेंगे, 0.35 ईच, और फिर हमारा फंडा क्या बोलता है, अंदर के ग्रुप्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लो अच्छे से, डी एंड एफ वाले में पढ़ लो, रूल नंबर टू, डी एंड एफ वाले में मैंने सेकंड रूल क्या लिखवाया है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स, कौन से ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इनर इलेक्ट्रॉन्स, 3d तो हमारा टेस्ट ग्रुप था, टेस्ट इलेक्ट्रॉन इसमें था, तो उसके 9 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ले लिए जिनका रिपल्शन मैंने कितना कंसीडर किया है, 0.35। अब उसके अंदर के हर एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना लेना है, अभी टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने जरा काउंट करके, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10 प्लस 2 प्लस 6 समझे, तो कैलकुलेशन रूल्स के अकॉर्डिंग होगी, आपके अकॉर्डिंग नहीं, आपको रूल्स को मेमोराइज करना है पहली बार, सेकंड जितना हो सके नेक्स्ट 15 डेज तक कुछ कुछ एग्जांपल्स लेके लिखना है, और जितना प्रॉपर और एलैबोरेट करके लिखोगे उतनी ही अच्छी तुम्हारी मेमोरी बनेगी फ्यूचर के लिए। सो दिस लर्निंग इज नॉट शॉर्ट टर्म लर्निंग, आपको जेई के एग्जाम तक लेके जाना है, समझ में आना इज नॉट द गारंटी कि तुम एग्जाम तक याद रख पाओगे, तो समझ में आ सकता है अभी, हो सकता है ना भी आए, बट फिर भी समझ में आ सकता है, बट चार दिन बाद कर लोगे ये इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो होनी है, वो तुमको याद ही नहीं रहेगा। सो तरीके से डेली प्रैक्टिस करना है नेक्स्ट 15 डेज तक, रूल्स स्टडी टेबल पे होना चाहिए आपका, ताकि आपकी नजर बार बार पड़े, दिन में एक बार तो कम से कम पूरा रीड कर लो, सेम ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, उसके अंदर का कितना, उसके अंदर का कितना, इलेक्ट्रॉन 1s में हुआ तो कॉन्ट्रीब्यूशन 0.30 रह जाता है, सिंपल, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस में आपको पूरा ग्रुप वन, पूरा ग्रुप टू, पीरियड टू
पीरियड 3, इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए करना है। और जो 3D सीरीज है, जैसे अभी हमने कॉपर के लिए किया वैसा, एंड 4D सीरीज है, वो कैमरे में पढ़ रहा है, यहां ध्यान नहीं दे रहा, वो कैमरे की स्क्रीन पे पढ़ रहा है। डेडिकेशन देखिए बच्चे का, हमारा प्यारा बच्चा। 3D और 4D में आप जैसे इधर जाओगे तो 4s इलेक्ट्रॉन के लिए भी कैलकुलेट करोगे एंड 3D इलेक्ट्रॉन के लिए भी करोगे, और इधर करोगे तो 5s इलेक्ट्रॉन के लिए भी करोगे एंड जैसे मैंने कॉपर के लिए 3D इलेक्ट्रॉन के लिए भी कैलकुलेट किया और 4s इलेक्ट्रॉन के लिए। बस इतना आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको सिग्मा में कोई गड़बड़ देखने को नहीं मिलेगी। तो सिग्मा क्या है? मेजर है किस चीज का? रिपल्शन का। कौन सा रिपल्शन का? इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो रिपल्शन एक्सर्ट कर रहे हैं टू द आउटर इलेक्ट्रॉन या किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे जिस पे आप स्टडी कर रहे हो, दैट रिपल्शन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो जितना मैंने बताया है उतना आपको लिखना है अच्छे से, एंड देन प्रैक्टिस करके मुझे जितना जल्दी दिखाओगे, जैसे आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है और आज ही दिखा के जाना है मेरे को, तो ये भी कर सकते हो, और एनर्जी है ही नहीं सर मैं 2 साल तक इसको दोबारा देखूंगा नहीं, तो वो भी कर सकते हो। माँ लाइफ माँ रूल्स, सिलेटर गया बाढ़ में, उसके रूल्स मैं क्यों फॉलो करूं? तो वो आप देख लेना, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बहुत बोरिंग हो जाता है ना लेक्चर जब रिकॉर्ड हो रहा हो, बट क्या है, सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लोड मत लो। अब मैं वो आंटी की तरह उछल उछल के तो नहीं पढ़ा सकता। उसके दो रीजन है, पहला तो मैं आंटी नहीं, और दूसरा मैं अच्छा टीचर नहीं हूं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? तो जैसे अगर इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो हर इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स है सबका प्यार मिलता, बट बिकॉज ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स वो जो अट्रैक्शन है, जो प्यार है, वो थोड़ा कम हो गया। तो कम हो गया, कितना रह गया है? जैसे गवर्नमेंट ने बनाया कि 10,000 करोड़ का रोड बना दो, बट बना कितने का एक्चुअली? 4,000 करोड़ का, 6,000 करोड़ का। ये वही चीज है, इफेक्टिव क्या है, है ना? मान लो मम्मी पापा ने आपको 100 रुपए का नोट दिया और बोला जाओ धनिया ले आओ। अब धनिया है मान लो 20 रुपए का, आपने मम्मी को रिटर्न किया 70 रुपीज, तो रिटर्न कितना करना था? 80, बट तुमने करप्शन कर दिया 10 का, तो इफेक्टिवली चेंज कितना मिला मम्मी को? बस वही ढूंढ रहे हैं। तो जैसे मान लो मैं ये हाथ घुमाऊं और युवराज को धर दूं, तो कुछ पड़ेगा मान लो। अब युवराज हाथ भी रख ले यहां पर, तो ये हाथ किसका काम कर रहा है? शील्ड का। तो अगर मैं सीधा धर दूं तो अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसका गाल, और अगर हाथ रख लिया इसने तो थोड़ा, तो कम होने के बाद कितना एक्सपीरियंस कर रहा है? दैट इज कॉल्ड, तो लिखेंगे, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो, द रिजल्टेंट The resultant attraction force, the resultant attraction force experienced by
टेस्ट इलेक्ट्रॉन द रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू शील्डिंग इज कॉल्ड व्हाट? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. और इसका सिंबल क्या है? जेड. इफेक्टिव जो है ई डबल एफ, वो सबस्क्रिप्ट में लिखना, एकदम जेफ लिख लो, जेफ. तो जो इफेक्टिव का ई डबल एफ है वो क्या है? सबस्क्रिप्ट में है. जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. मैथमेटिकली जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा? तो गवर्नमेंट ने दिया 10,000 करोड़, करप्शन हो गया 3,000 करोड़ का. तो एक्चुअली रोड कितने में बनी है? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकलेगा? न्यूक्लियर चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर है, सिग्मा शील्डिंग कांस्टेंट है, बस हो गया. Z इफेक्टिव इज Z माइनस सिग्मा. तो जब तुम सिग्मा निकालोगे तो Z इफेक्टिव भी तो आ ही जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कॉपर के लिए जैसे मैंने किया था अभी, फॉर 4s इलेक्ट्रॉन सिग्मा कितना आया था बेटा? अगर कैलकुलेट किया है तो बताओ, नहीं किया है तो कैलकुलेट करके बताओ. कॉपर के 4s इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कितना था? 25.30. ठीक है, तो इसीलिए इस पे लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? कॉपर का एटॉमिक नंबर विच इज 29 माइनस 25 माइनस सॉरी 25.30 कितना आ जाएगा बेटा? मतलब कितने प्रोटॉन्स थे एक्चुअली? 29. बट उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फोर्स कितने प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है? ओनली 3.70. बाकी सब करप्शन में चले गया. अगर यही मैं कॉपर के लिए पूछता फॉर 3d इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो आई थिंक हमने 3d इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी सिग्मा निकाला था. हेल्प करो मेरी. 21.15. तो इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या आ जाएगा? 29. एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं हो रहा, कॉपर ही तो ले रहे हो. 29 माइनस 21.15 तो क्या हो जाएगा? 7.85. अब बताओ किस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है, 4s वाले को या 3d वाले को? अब खुद से सोचो किस इलेक्ट्रॉन को एटम से दूर करना इजी है, जिसको कम अट्रैक्शन मिल रहा हो. अगर आप अपने मम्मी पापा की बात मानते हो, उनके प्यार में हो, तो क्या बाहर वाला कोई भी बोलेगा आप नहीं सुनोगे? और यही तुम्हारा ही मन में बैठ चुका है कि मम्मी पापा मेरे को प्यार नहीं करते, तो क्या होता है? कोई भी बहला फुसला लेता है. ठीक है, तो जेड इफेक्टिव फंडा कर लोगे अभी. अब इसमें अगर हम देखें, आप जेड इफेक्टिव निकाल के ये डिसाइड करना. तुमको मैंने बता दिया किस किस का सिग्मा निकालोगे. जिनका सिग्मा निकालोगे उनके लिए जेड इफेक्टिव भी निकालना है. मैं लिख देता हूं फिर भी, चलो मुझे मेरे बच्चों पे पूरा भरोसा है. सेल्फ प्रैक्टिस. फाइंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ऑल species जिनका हमने सिग्मा स्टडी किया था. तो सिग्मा आएगा तो जेड इफेक्टिव आएगा, और सिग्मा सही आएगा तो जेड इफेक्टिव सही आएगा. अब
जब हमने जेड इफेक्टिव को देखा तो हमने ये भी सोचा कि यार लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव चेंज हो रहा है क्या, और हो रहा है तो कैसा चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो ये सब वेरिएशन जो हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं वो हम किस हेडिंग में पढ़ते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, अब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एक पीरियड में जाओगे या ग्रुप में जाओगे, पीरियड में जाओगे। सो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, चाहे सेकंड पीरियड डालो थर्ड पीरियड डालो, क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस ग्रेजुअली। मेरी नहीं सुनना है ना, ना सुनना है ना मानना है, मेलोडी खाओ। घड़ी डिटर्जेंट वाले का भी तो ऐड आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो तुम क्या करोगे, सेकेंड पीरियड के हर एक एलिमेंट का जेड इफेक्टिव निकालोगे, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियोन का, सबका निकालना और फिर बताना क्या जो मैं लिख रहा हूं वो सही है या नहीं। अगर सही नहीं हो तो आके 5 किलो का पत्थर मेरे सर पे गिरा देना, फुल फ्रीडम, लिटरली मत गिरा देना है ना। तो चलो तुम गलत कैलकुलेट करके लाए थे और सच में गिरा दिया, तो सर देखो नहीं आया मेरा, अब आपको भुगतना पड़ेगा है ना, रिप सर। अभी यूट्यूब देखने का एक और बहाना। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, अब टॉप टू बॉटम एक पीरियड में जाओगे या ग्रुप में, इन अ ग्रुप क्या होता है, जेड इफेक्टिव रिमेन्स नॉट कॉन्स्टेंट, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। जैसे तुम्हारा होमवर्क हो जाता है ना ऑलमोस्ट है ना, 50 में से 5 करके भी बच्चा क्या बोलता है, ऑलमोस्ट सर हो गया ऑलमोस्ट। तो वैसे ये भी कांस्टेंट नहीं है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो केमिस्ट्री में सबसे अच्छी चीज क्या है, व्हेन यू आर नॉट श्योर क्या लगा दो, ऑलमोस्ट, यूजुअली, जनरली, खत्म। कोई बोले सर ये तो ऐसा आपने लिखा है तो ऐसा तो होता ही नहीं, बेटा जनरली लिखा है, देखो जनरली मैंने कब बोला हमेशा होता है ना। मुझे केमिस्ट्री टीचर ने सिखाया था जब मैं नया था, अच्छे से समझ में आया मेरे को, इसमें क्या कोई तुम्हारी गर्दन नहीं पकड़ सकता, अगर तुमने बोल दिया कि ऐसा होता है और उसके अगेंस्ट कुछ मिल गया तो काय के टीचर गलत पढ़ा रहे तुम, और वही लिखा दो यूजुअली, कहता बेटा मैंने यूजुअली लिखा था, हमेशा नहीं लिखा था। तो केमिस्ट्री में क्या हर जगह एक्सेप्शन है, तो अपनी जान बचानी है तो क्या बोल देना है, यूजुअली, जनरली, जनरली ऐसा होता है, ये स्पेशल केस है, टेंशन खत्म तुम्हारी। तो ये जेड इफेक्टिव का फंडा है, अच्छे से अपने मन मंदिर में बसा लेना ताकि एग्जाम्स तक आप एकदम भक्तिमय माहौल में जाओ और जाके सारे क्वेश्चन फोड़ के आ जाओ, है ना। ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन आया ही नहीं इस टॉपिक पे तो भी तुम करके आ गए, बोले सर इतनी मेहनत की थी मैं तो करूंगा जेड इफेक्टिव, तो ऐसा नहीं करना। टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं, अब उसमें इस पे आएगा ही आएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है, बट ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। ये आपको बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन अपने एटम में एक्चुअली कितना अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, करना तो चाहिए एटॉमिक नंबर के बराबर, तुमको पढ़ना तो बहुत चाहिए, पोटेंशियल तो तुम्हारा बहुत है ना, पोटेंशियल जेड के बराबर है, बट स्क्रीनिंग भी तो हो रही है लाइफ में, पोटेंशियल मतलब न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर के बराबर, बट शील्डिंग भी तो हो रही है, मोबाइल भी देखना है, जिम भी जाना है, यूट्यूब पे 5 मोटिवेशनल वीडियोस देख के रनिंग के लिए भी जाना है, डायरी भी लिखना है, दोस्तों के साथ बाइक पे गेड़िया भी मारनी है ना, चक्कर लगाने विदाउट हेलमेट, 3-3, 4-4 बच्चे बैठ के घूमेंगे, फिर सड़े हुए वड़ा पाव खाने हैं, वो पानीपुरी वाले भैया का
स्पेशल फ्लेवर भी टेस्ट करना है, बर्थडे आ जाता है, फिर कोई त्योहार आ जाता है, वी आर इन इंडिया, इतनी सारी स्क्रीनिंग के बाद बचता क्या है? वो तुम अपने टेस्ट में मार्क्स देख लो, समझ जाओगे। तो गलती तुम्हारी है ही नहीं, स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा है। अब जैसे ही तुम्हारा केस हाइड्रोजन जैसा हो जाए कि मेरा पोटेंशियल और मैं, कौन दोस्त कौन सहेली, है ना, मेरे बाल कहाँ जा रहे हैं, कपड़ा कौन सा पहना है, कौन मम्मी कौन पापा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा बस एक ही टारगेट है, क्या आईआईटी में जाना है। फिर देखो तुम जितना पोटेंशियल है उसी के प्रोपोर्शन में तुम स्कोर करोगे। तो शील्डिंग कम करनी पड़ती जिंदगी में, और वो मुश्किल है बहुत। हाँ, बहुत मुश्किल है, कोशिश करो। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, ये क्या बोल रही है? पहले तो मैं एक एक करके जो टर्मिनोलॉजी बार बार आती है आपके सामने उसकी बात कर लेता हूं। तो आयोनाइजेशन का मीनिंग मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बताया था, फिर बता देता हूं। आयोनाइजेशन का मतलब होता है रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ध्यान से सुनो, हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस। अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो बोहर मॉडल सिर्फ ऐसी स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल था जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता था। तो मैं उसी चीज को लिख रहा हूं, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ग्राउंड स्टेट इज फर्स्ट ऑर्बिट ओनली, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट यहां जो आप पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए तो पढ़ने वाले हो नहीं, तो हमारे लिए यहां पे ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का, हिंदी में लिख दो, लिख दिया आप तो जाओ पुलिस में रिपोर्ट लिखा दो, जाओ। इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल ऑर्बिट, ओरिजिनल ऑर्बिट मतलब जिस ऑर्बिट में आपने इलेक्ट्रॉन को भरा है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, तो आपको पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड, तो आई थिंक ये वैलेंस शेल है। अब वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है? थर्ड ऑर्बिट में ही है, तो इसका ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा? थर्ड ओनली। तो हमने जो पढ़ा था बचपन में वो किसके लिए पढ़ा था? इसलिए वहां पे ग्राउंड स्टेट का मतलब होता था फर्स्ट ऑर्बिट, चाहे कुछ भी हो जाए, बट यहां पे ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट नहीं है, तो यहां पे ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी? ठीक है, यहां पे फर्स्ट मत लिख देना, नहीं तुम सोचो सर आपने तो बोला था ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, वो किसके लिए वैलिड था? सिंगल इलेक्ट्रॉन। अभी मैं जिनके लिए बात कर रहा हूं वो, तो मैंने आपको ग्राउंड स्टेट का मीनिंग समझाया। इन्फिनिटी का मतलब होता है एटम से बाहर फेंक देना, एटम से बाहर निकल जाना। फिर और वर्ड्स भी लिखे हैं इसमें, क्या लिखा है? एंड आइसोलेटेड। अब इसका क्या पर्पस था, ये वर्ड क्या इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं यहां पे? हर चीज क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड में, है ना, ताकि हम जब एग्जाम में जाए तो किसी भी तरह का कोई डाउट लेके ना जाए। और एग्जामिनर, जितना आप डाउट में जाओगे उतना ही एग्जामिनर उसका फायदा उठा लेता है, इसीलिए बोलता है कॉन्फिडेंस इज हाफ ऑफ विक्ट्री। अब कॉन्फिडेंस भी दो तरह का होता है,
एक जो तुमने मेहनत से अर्न किया है, एक होता ओवर कॉन्फिडेंस, आता जाता कुछ नहीं भाई, मेरे को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो आता जाता कुछ नहीं और फालतू ऐसा कॉलर उठा के जाएंगे तो मारे जाओगे, है ना। तो गैसियस आइसोलेटेड क्यों लिखा जाता है, आइसोलेशन का मतलब आप जानते होगे, कोविड झेला है तुम लोगों ने, क्या कर देना है, अकेला, मतलब क्या कर देना है, मुझे क्या चाहिए, अकेला एटम, फ्री फ्रॉम ऑल द बर्डन्स इन लाइफ। तो किसी भी आदमी का, किसी भी इंसान का एक्चुअल बिहेवियर का पता चलेगा जब वो अकेला हो। अब जैसे तुम यहां बैठे हो तो एकदम संस्कारी बच्चे, मम्मी पापा आसपास हुए तो संस्कार और बढ़ जाते हैं। जैसे टीचर गायब, मम्मी पापा गायब, तो तुम क्या जाते हो अपने ओरिजिनल स्वरूप में, द जंगली, है ना। तो जब एटम अकेला हो, एट दैट टाइम आप जो एनर्जी दोगे टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, उसी एनर्जी का नाम पड़ जाता है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मुझे अकेला एटम नहीं मिला, अगर अगर मैंने एक एटम को दूसरे एटम के इन्फ्लुएंस में रख दिया तो क्या होगा, मैं जो एनर्जी दूंगा हो सकता है ये दूसरा एटम खा जाए, तो मुझे ये पता नहीं चलेगा ना मैंने इस एटम को कितनी एनर्जी दी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इसलिए मुझे क्या चाहिए, सिंगल एटम, बेयर एटम चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल द बर्डन्स। ऑल द बर्डन्स से मतलब क्या है, ये किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए, किसी और एटम के इलेक्ट्रिक फील्ड में ना हो, किसी और किसी भी तरह के अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस ना करता हो, कोई बॉन्ड ना बनाए हो किसी से, अकेला एटम चाहिए। क्योंकि अगर किसी से बॉन्ड बना लिया, मान लो आपने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले रखा है, तो आप जो एनर्जी दोगे तो पहले उससे बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आप जो एनर्जी दे रहे हो वो सिर्फ आयनाइजेशन में यूज हुई नहीं है, पहले बॉन्ड ब्रेक होगा फिर ये हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कितनी एनर्जी बॉन्ड तोड़ने में लगी और कितनी एनर्जी, और मुझे सिर्फ पढ़ना है कितना रिलीज, कितनी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में कितनी एनर्जी देनी पड़ी। तो अब मैं आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन दूंगा, ऐसा तुम्हारी हाव भाव से ऐसा लग रहा है समय हो चुका है, मैंने फील किया तुम्हारे हाव भाव से कि थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट आ चुका है, बिकॉज समय आ चुका है, बहुत समय हमारे पास, आगे बढ़ेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस आइसोलेटेड एटम। गैसियस आइसोलेटेड एटम, अब ये जो तुम शब्दों में लिख रहे हो, वर्ड्स में लिख रहे हो, सेंटेंस बना के लिख रहे हो, इसी चीज को एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में भी प्रेजेंट करना आना चाहिए अपने को। तो मान लो कोई मुझसे पूछेगा कि सर मुझे थोड़ा विजुअलाइज करवाओ और मुझे दिखाओ सर ये आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कोई भी एलिमेंट, लिख देता हूं मैं अभी ऐसे ही लिख देता हूं, एक्स लिख देता हूं, इसको मुझे इक्वेशन के फॉर्म में देखना है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, पहले मैं लिखूंगा एक्स, और कैसा लेना है मुझे, डेफिनेशन क्लियरली बोल रही है, गैसियस फॉर्म में लेना है, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो एक्स पे कोई चार्ज आने के चांसेस है या नहीं है, कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, वेरी गुड। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आयोनाइजेशन ऑफ एक्स। अब इस प्रोसेस को कराने में कुछ खर्चा हुआ होगा, वही खर्चा क्या है, तो ये जो रिएक्शन है इसके करस्पॉन्डिंग लगने वाली जो एनर्जी है उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स। आप बोलोगे सर मैं वाई के लिए लिखना चाहता हूं, किसी के लिए भी लिखो, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये
प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लगेगी वो क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ। सर ये एक्स वाई तो कोई एलिमेंट ही नहीं होते पीरियोडिक टेबल में, कुछ रियल एलिमेंट्स यूज करो सर, अपने पास सब कुछ है, चिंता नहीं करना। तो अगर मुझे सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी शो करनी है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो ये इक्वेशन क्या दिखाएगी मुझे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। अब तुम समझदार बच्चे हो, प्रैक्टिस सपने में कर ही लोगे, रियल लाइफ में जरूरत कहां है। तो सेल्फ प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, जैसे मैंने एक्स का दिखाया, वाई का दिखाया, सोडियम का दिखाया, अब दुनिया का कोई भी एलिमेंट उठाओ उसका आयनाइजेशन दिखा दो। पेपर पे नहीं करोगे तो भी चलेगा, सपने में जरूर कर लेना। क्या पेपर पे करोगे फालतू में मार्क्स वार्क्स आ गए, मम्मी पापा को ज्यादा खुशी हुई, अच्छा रिजल्ट आ गया तो खुशी में हार्ट अटैक भी आते हैं, तो डोंट टेक एनी चांस। ज्यादा खुशी नहीं देना पेरेंट्स को, है ना, पेरेंट्स को सिर्फ क्या देना है, एक्सक्यूज, समझ में ही नहीं आया, टीचर ही खराब है, कुछ भी प्रॉपर नहीं हो रहा, समझ में ही नहीं आ रहा कैसे पढ़े, सारे एक्सक्यूज दे दो, लिस्ट बना लो पूरी, है ना, रिजल्ट फिर भी हाथ नहीं आएगा, रिजल्ट एक ही चीज से हाथ में आता है, स्वर्ग जाने का एक ही तरीका है, मरना। अभी तुम कुछ भी कर लो, स्वर्ग जाने का कोई और तरीका बना ही नहीं अभी तक, तो तुमको क्या करना है, कुछ भी उठाओ, एक इलेक्ट्रॉन चोरी कर लो, और एक इलेक्ट्रॉन चोरी करोगे तो एक ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये दो आ जाएगा, जादू तो नहीं होता, कहीं साइंस है, साइंस है, कोई हमारे तुम्हारे घर की सब्जी नहीं है, जितना मन किया उतना नमक डाला, जितना मन किया उतना तेल डाल दिया। तो सर हमारे यहां तो ऐसे ही बनती है भिंडी, तो तुम्हारे यहां भिंडी कैसे बनती है वो मैटर नहीं करता यहां पे, यहां पे मैटर करता है सिस्टम। सिस्टम फैन हो ना तुम लोग, अरे कौन फैन है। तुम सीधे बच्चों को फंसा देते हो। चीटर्स हो तुम लोग। आज एक कितना प्यारा बच्चा है। कंसेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जीज। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं? अभी जैसे एल्यूमिनियम है, सोडियम की औकात, सोडियम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाता है क्योंकि उसके वैलेंस शेल में, बट व्हाट अबाउट मैग्नीशियम, वो एक पे क्यों रुके, उसको पता है अल्टीमेट मोक्ष यानी कि स्टेबिलिटी के लिए उसको एल्यूमिनियम अल्टीमेट मोक्ष दो। अभी तुम नींद में ही आ गए, फ्लो में आ गए, मैग्नीशियम दो कर रहा है, एल्यूमिनियम तीन करता है लाला। तो जैसे सोडियम नॉर्मली क्या करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ऐसा नहीं है कि मैं पेपर पे लिख नहीं सकता कि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल देगा सोडियम, मैं वो भी लिख सकता हूं पेपर पे तो लिख ही सकता हूं, बट फोकस ऑन मैग्नीशियम नाउ, सिंस मैग्नीशियम कैन लूज टू इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन, तो मैग्नीशियम ने लेट से पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो Mg प्लस बना। अब ये मुझे क्या दिखा रहा है ना, मतलब IE1, समझे। अब क्योंकि मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर सकता है तो Mg प्लस विल लूज वन मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, अभी मतलब IE। अब इतने में दिल में तसल्ली आ जानी चाहिए थी, बट एग्जामिनर हमारी मजबूरी का और फायदा उठाता है, इसी चीज को वो कैसे लिखता है,
भाई ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है मैग्नीशियम के लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन है, समझ में आता है मेरे। बट ये Mg प्लस का तो पहला इलेक्ट्रॉन है, मतलब तुम अपने दादाजी की सेकंड जनरेशन हो, बट अपने पापा की तो पहली जनरेशन हो। वैसा है कि दादाजी की भी सेकंड, पापा की भी सेकंड, नहीं ना? सेंस है इतना कि नहीं? तो ये मैग्नीशियम का सेकंड इलेक्ट्रॉन है, बट Mg प्लस का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब ये तो कहानी एल्यूमिनियम से भी छोटी है, और क्योंकि हम छोटे मोटे काम करना नहीं चाहते जीवन में, सेम मैं भी चाहता हूं तुम भी बड़े बड़े काम करो, तो अभी हम फोकस करेंगे एल्यूमिनियम पे। और अब एल्यूमिनियम से चुराएंगे कितने? 3 इलेक्ट्रॉन, जल्दी चुरा लो और पूरा लिख देना Ie1, Ie2, Ie3। गैसियस फॉर्म लिख दिया? आई नो नहीं लिखा होगा बहुत सारे बच्चों ने। हाँ, हवा में तो सभी लिख देते हैं। मैंने आज तक कोई बच्चा गलती करते हुए नहीं देखा। मैंने बहुत बच्चों से पूछा कोई गलती की है? नहीं, आज तक मेरे किसी बच्चे ने कोई गलती नहीं की। इससे पता चलता है मैं कितना ग्रेट टीचर हूं। एक होता है अच्छा टीचर, एक होता है बहुत अच्छा टीचर, एक होता है बहुत 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 अच्छा टीचर, और एक होता है ग्रेट टीचर। तो आई एम दैट ग्रेट टीचर। मेरा कोई बच्चा गलती नहीं करता कभी भी। डिसिप्लिन मतलब यूएस नेवी सील, एनएसजी कमांडो, उनके पास उतना डिसिप्लिन नहीं है जितना मेरे हर एक बच्चे के पास कूट कूट के भगवान ने दिया हुआ है। सो एल्यूमिनियम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 by 1। सो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एल गिव्स एल प्लस, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन एल प्लस विल गिव इलेक्ट्रॉन टू गिव Al2+, एंड देन फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन Al2+ विल गिव थर्ड इलेक्ट्रॉन टू गिव Al3+। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? Ie1 किसका? एल्यूमिनियम का। इसको लिख सकता हूं Ie2 किसका? एल्यूमिनियम का। इसको क्या लिख सकता हूं? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्या लिख सकता हूं? इसको क्या लिख सकता हूं? और इसको क्या लिख सकता हूं? तो बस ऐसे ही आपको परेशान करेगा ये लिख लिख के, और आप ढूंढते रह जाओ क्या करवा रहे हो। तो कंसेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जीज में एक बहुत बढ़िया प्यारा रिलेशन होता है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख के याद कर लेना मेरे बच्चों। ये सीक्वेंस में बढ़ते जाते हैं, इनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, कुछ भी हो जाए, है ना? Ie1, Ie2 एंड Ie3, इन तीनों को कंपेयर करोगे तो किसी भी एलिमेंट के लिए Ie3 विल बी द हाईएस्ट। ठीक है, अगर मैं फर्दर लिखता कि मैंने चौथा इलेक्ट्रॉन भी निकाला है तो Ie4 उससे भी ज्यादा होता। तो कंसेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जीज के लिए क्या याद रखोगे? कि लिखना कैसे है, नेमिंग कैसे करनी है, और उनका आपस में रिलेशन क्या होता है। तो अगर इतना आप लोगों ने कर लिया तो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट रेडी है। अब जो भी हम करेंगे इसको और थोड़ा सा डीप डिगिंग करेंगे और क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेंगे थोड़े बहुत। थोड़ा बहुत काम मैंने दिया हुआ है आपको, एनसीईआरटी का रिवीजन करना है, पढ़ना है, डाउट्स पूछना है, और जितना प्रैक्टिस के लिए बोला है उतना करके लाओगे, और डेली थोड़ा थोड़ा करना है। जितना अच्छे से करोगे, जितना रिलीजियसली करोगे, ऑनेस्टी से करोगे, उतना ही आपकी लर्निंग इफेक्टिव होगी, फास्ट होगी, काम की होगी। नहीं तो फिर बहुत सारे 15 लाख बच्चे यही लिख रहे हैं, तो भीड़ तो है ही, उसमें खो जाना आराम से। ठीक है, तो इसके आगे आने वाले लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी का बाकी का पार्ट, देन उसका एप्लीकेशन वगैरह जितना भी आता है, एंड बाकी की दो प्रॉपर्टीज कौन है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उनका भी उसी तरीके से डिटेल में अपन
सर्जरी करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का कर रहे हैं। तो साहब जितना पढ़ाया गया है उतना अच्छे से पढ़ना। जेड इफेक्टिव बहुत काम की चीज है, इसको भी मैं रिलेट करूंगा और बाकी चीजों को भी रिलेट करूंगा। और एक और एटॉमिक प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस, तो ये कराने के बाद मुझे याद दिला देना, मैं एटॉमिक रेडियस कराऊंगा इसके बाद। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।